इतने शीतल जल में स्नान करने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि स्वच्छ मन के लिए स्वच्छ शरीर अनिवार्य होता है और स्वच्छ शरीर आत्मा की स्वच्छता के लिए अति आवश्यक होता है। ये तो अत्यंत सुंदर अनुभव है। अब हम प्रतिदिन स्नान करके आपके साथ पूजा पूरी करेंगे। ओम पार्वती नमः, 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 ओम पार्वती। तुमने इतने कष्ट, इतनी पीड़ा सहकर हमारी तपस्या की है। निसंदेह तुम्हें किसी वरदान की आवश्यकता होगी। मांगो दारुका, क्या वरदान मांगती हो? माता, मुझे वरदान दीजिए कि ये सारे संपदाओं से युक्त वन की मैं स्वामिनी बनूं और अपनी इच्छा से पृथ्वी पर कहीं भी इस वन को मैं ले जा सकूं। इस वरदान से क्या लाभ होगा तुम्हें? अपने लिए नहीं, मैं ये वरदान सारे संसार के लिए मांग रही हूं माता। इस संसार में कितने ऐसे मानव व जीव हैं जिन्हें इस वन के प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता है, किंतु वो यहां पहुंचने में असमर्थ है। आपके इस वरदान से मैं इस वन को उन स्थानों पर पहुंचाने में सक्षम रहूंगी जहां इसकी आवश्यकता सबसे अधिक है। इस प्रकार से मैं सबको कर्मठ बनने हेतु प्रेरित करूंगी मां। अपने इस उदाहरण से मैं ये सिद्ध करूंगी कि यदि व्यक्ति चाहे तो वो अपने परिश्रम से क्या कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। संसार से आलस से दूर हो जाएगा, सब कर्म का महत्व समझेंगे, अपने जीवन का महत्व समझेंगे मां। तथास्तु, आज से ये वन दारुका वन के नाम से जाना जाएगा। जय हो पता। शिवलिंग पे जल अर्पित किया जाता है।
पिताजी को प्रसन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा। यदि श्रद्धा सच्ची है तो पिताजी मात्र उनका स्मरण करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। किंतु जहाँ श्रद्धा नहीं है, समर्पण नहीं है, वहाँ विधि मात्र आडंबर बन के रह जाती है। ये तो महादेव की पूजा में इतने लीन हो गए हैं कि पेट पूजा के बारे में भूल ही गए। अपनी भी और हमारी भी। ओ दारुक की पत्नी दारुका हमारी तपस्या कर रही थी। अत्यंत कठोर तपस्या, इतनी पीड़ा सह रही थी केवल हमें प्रसन्न करने हेतु। हमने उसे दर्शन दिया और वरदान भी। तपस्या सफल हो तो वरदान देना अनिवार्य है पर, किंतु वरदान मांगने वाला प्रायः उस वरदान से उन्मुक्त हो उस वरदान का दुरुपयोग करने लगता है और वही वरदान संसार के लिए अभिशाप सिद्ध होता है। किंतु दारुका असुर पत्नी होते हुए भी निश्चल है और उसके वरदान से उसे कोई निजी लाभ नहीं होगा। उद्देश्य ही जगत कल्याण है। बहुत उच्च कोटि के विचार हैं उसके स्वामी। कीजिए। गणेश की शुदा अब हम शांत करेंगे।